नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। मैं हूं कीर्ति। और हम दोनों लेकर के आ गए हैं अपनी शादी का ब्लॉग। इस ब्लॉग का नाम है लव मैरिज या अरेंज मैरिज। आप लोगों के दिमाग में बहुत दिनों से, जब से हम लोग टिकटॉक बना रहे हैं, हमारी शादी की वीडियो देख करके आप लोगों के मन में बहुत ढेर सारे कन्फ्यूजन थे कि हमारी शादी लव मैरिज हुई कि अरेंज मैरिज। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग आपके ऊपर छोड़ेंगे कि हमारी शादी लव मैरिज हुई थी कि अरेंज मैरिज। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम दोनों भी कन्फ्यूज हैं कि क्या है नहीं है, वो आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद जजमेंट जो है वो जनता लेगी, वो बताएगी कि हमने लव मैरिज की थी अरेंज मैरिज, ठीक है। क्योंकि हमारी जो स्टोरी है थोड़ी सी पॉलिटिकल खिचड़ी है एकदम, ठीक है। तो जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बेल आइकॉन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो बात उन दिनों की है जब हमारी भाभी यानी इनकी बड़ी बहन की एंगेजमेंट होने वाली थी हमारे भैया जी के साथ। तो उस टाइम हम दिल्ली में रहते थे, तो हमारा फ़ोन आया घर से कि भैया एंगेजमेंट है आपके बड़े भैया का, आप इतने तारीख को है और आप आइए। तो जब हम आए और उसके बाद हम एंगेजमेंट के लिए इनके घर गए, वहाँ पे हमने पहली बार किट्टो जी को देखा था। मैंने इनको दूसरी बार देखा था। मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं, आज पता चला। चलो इस वीडियो को बनाते बनाते ना बहुत सारी चीजों का पता मुझे आज ही लगेगा, जैसा कि आप लोग को लगेगा, ठीक है। और देखते हैं, सगाई में आए थे इनके साथ, इनकी सिस्टर भी आई थी साथ में, तो मुझे लगा कि ये उनके हस्बैंड है, मुझे नहीं मालूम कि ये कुंवारे हैं, इसलिए मैंने तो कोई लाइन नहीं दिया था। बट इनके दिल में कुछ था, मेरे दिल में कुछ नहीं था। तो मैं कैसे पता, मैंने तो कभी तुम्हें नहीं बताया मेरे दिल में कुछ था, ऐसा कुछ नहीं था। आपने मुझसे बोला था, झूठ बोल रहे हैं। तो उसके बाद फिर किसी से कभी मुलाकात नहीं हुई ना, कभी बात हुई? हाँ, कभी जैसे भाभी फ़ोन करती थी तो बात हो जाती थी फ़ोन पे, हाय हेलो जो भी है। और कभी ऐसा सोचा नहीं था कि कीर्ति से शादी होगी मेरी, तुमने सोचा था? जब मेरी सिस्टर को ये फ़ोन करते थे तो बोलते थे कि मुझसे बात करते थे, बोलते थे कि तुम मुझे फ़ोन करना, मैं तुमसे बात करूँगा। हाँ, मतलब कि होता है एक्साइटमेंट यार, कि मतलब भाई की शादी है तो बात करेंगे, यही सब होता है, हर लड़का ऐसे करता है, मैं कोई स्पेशल थोड़ी नहीं हूँ। तो आप लोगों के मन में ये बात उठ रही होगी कि मैं कीर्ति से मिला कब, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने इसको अपने भाई की सगाई में देखा था। सगाई में देखा था, देखना एक अलग होता है, एक दिल की घंटी बजना अलग होता है। तो ऐसा कुछ था नहीं, मतलब देखना जैसे बहुत सारे फैमिली में मिलवाते हैं ना कि मम्मी हैं, ये पापा हैं, ये सिस्टर हैं, ये भाई हैं। तो इस तरीके से मुलाकात हुई थी और मिला था मैं पहली बार। कीर्ति भी इसी तरीके से मुझसे पहली बार मिली थी। अब हुआ क्या, प्यार हुआ कि क्या हुआ, समझ नहीं आता। बात यूँ है कि जब मेरी भाभी प्रेग्नेंट हुई, हम दिल्ली में थे और भैया भी दिल्ली में ही थे, भाभी भी दिल्ली में थी, तो होता ना कि भाई जब कोई घर में लेडी प्रेग्नेंट होती है उसके हेल्प के लिए कोई चाहिए होता है। उस टाइम हमने डिसीजन लिया क्यों ना कीर्ति को बुलाया जाए, कीर्ति थोड़ा सा सपोर्ट करेगी, हेल्प करेगी तो भाभी को अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं जॉब पे रहता था, भैया जॉब पे रहते थे, कोई घर में होता नहीं था, एक प्रेग्नेंट लेडी को यूँ अकेले छोड़ना ठीक नहीं था। तो हमने तो भाभी ने कीर्ति को मम्मी से बात किया, अपनी मम्मी से बात करके कीर्ति को दिल्ली बुलाया। जब कीर्ति दिल्ली आई पहली बार, मतलब काफ़ी साल हो चुके थे शादी के, जब हम लोग मिले थे एंगेजमेंट में, तो मैं तो दिल्ली में जॉब करता था, कीर्ति उस टाइम पढ़ाई करती थी, कीर्ति थोड़ी छोटी थी, मेरे और कीर्ति के एज में 5 साल का अंतर है, 5 साल का अंतर है। तो कीर्ति मुझे थोड़ी छोटी लगती थी, हालांकि मैं इसको बड़ा नहीं लगता था, थोड़ा मैं हैंडसम टाइप का था। हाँ, तो मैं इस कम हो गया। मैं आपकी अपनी कहानी बताता हूँ। मैं दिल्ली में जब था, मैं मतलब उस टाइम की बात ही कुछ और होती है यार, जवानी की। जब मेरे कप अरे शांत रहो आप तो वैसे बोली तो रुको ना। जब मेरे कपड़े धुल करके मेरी भाभी छत पे सुखाने के लिए डालती थी ना, लड़कियां हमारी शर्ट चुरा ले जाती थी, ये मैं फेक नहीं रहा हूँ, ये हकीकत है। तो अब आते हैं टॉपिक पे। तो कीर्ति जब आई, तो मैं जब कीर्ति आई, बेल बजा, मैंने दरवाज़ा खोला, सामने कीर्ति चश्मा लगा के खड़ी हुई थी, बैग पकड़ के। और मैं देखा, मैं थोड़ा सा, मैं कह यार कौन लड़की आई है, फिर झूठ नहीं, मतलब पता था, लेकिन फिर मैं कहा हाय हेलो, फिर होता है ना कि भाई मैं भाई का भाई, मतलब मैं इनके जीजा का भाई और ये मेरी भाभी की सिस्टर,
दिल वाले दुल्हन ले जाकर मतलब मोहब्बत टाइप का ट्यून बजता है बैकग्राउंड में, फिर कीर्ति आती है, फिर बैग वैग रखते हैं, फिर नहा धो के अपने ऑफिस निकल जाता हूँ। ज़्यादा बात नहीं करते थे उस टाइम, मतलब ये बात नहीं करती थी क्योंकि उतना कभी बात नहीं किए थे, तो ऐसे अचानक से हम बात करना होता ना, जब फैमिली वाली रहने लगता है फिर थोड़ा सा ओपन होता है, एक दूसरे से बातें करना, साथ में टीवी देखना, मूवी देखना। कीर्ति दिल्ली पहुँच चुकी थी और ऐसे नॉर्मल फिर मैं ऑफिस जाता, ये सुबह खाना बना के देती, तभी शाम को आते, शाम को फिर ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन कीर्ति ने बोला कि मैं इतने दिन हो गए आई हूँ, किसी ने मुझे दिल्ली नहीं घुमाया। तो भाई मेरे अंदर का इंसान जागा, हम कहे हम घुमाएंगे, काहे नहीं घुमाएंगे। हम ले गए फिर लोटस टेम्पल, कुछ फोटोएं भी आप लोग को दिखाएंगे, देखिएगा आप लोग फोटो। लोटस टेम्पल गए और गुरुद्वारा बंगला साहब गए, उसके बाद एक और कौन सी जगह है, हनुमान मंदिर के पास, हनुमान मंदिर भी गए थे। सीपी घुमाया इनको, तो यहाँ पे वहां पे थोड़ा सा हम लोग का थोड़ा सा अट्रैक्शन हुआ, हालांकि कुछ ऐसा था नहीं, बस मतलब दिल में हल्का सा कुछ कुछ होता है हुआ। लोटस टेम्पल तो आप मेरे बर्थडे वाले दिन लेकर गए। हाँ, बर्थडे वाले दिन, और कीर्ति का फर्स्ट टाइम मैंने बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने साथ, और दर्शन कराए सुबह सुबह जाकर के मंदिर में दर्शन कराए। अच्छा, बोलेंगे भाई कीर्ति का बर्थडे कब होता है, तो कीर्ति का बर्थडे भी आप लोग नोट कर लो कब होता है, 17 मार्च, 17 मार्च को। समझ आ गया जब कीर्ति को घर वापस जाना था, फिर क्या होता है। जब मुझे घर आना था उस टाइम मेरे भाई की शादी थी, और इनको पता चला कि मैं घर जाने वाली हूँ, तो ये बहुत थोड़ा सैड हो गए थे, और मेरा भी जाने का मन बिल्कुल नहीं था। मेरा भाई आया था हम लोग को लेने के लिए शादी में। हम लोगों ने एक दूसरे को मतलब कुछ ऐसा नहीं बोला था कि प्यार है, इस मोहब्बत कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब एक होता है ना कि दिल से दिल मिल गया, अच्छा लगने लगा, साथ साथ में खाना खाते थे हम लोग घर पे, साथ में मतलब बातें करना, साथ में टीवी देखना, तो अच्छा लगने लगा था साथ। सोचिए मेरा भाई इतना दूर से हमको लेने के लिए आया था, लेकिन ये बंदे क्या बोले कि हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। हाँ। हमारे टिकट कैंसिल करा दिए, बोले मैं टिकट कब कैंसिल हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग कीर्ति अच्छा खासा बैग तैयार हो गया, ठीक है, इसका भाई और कीर्ति को हम सब मिल करके पूरा परिवार गए स्टेशन पे छोड़ने के लिए। जब स्टेशन पे छोड़ने गए, ट्रेन आने में थोड़ा टाइम था, आधे तो ये हमको देख रहे, हम इनको देख रहे, तो अब क्या किया जाए। तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशनल बैकग्राउंड म्यूजिक आप लोग सुन ही रहे होंगे इस टाइम, ठीक है। तो कुछ सिचुएशन यूं हो गया, थोड़ी सी रोने लगी है और हम भी सैड। तो भाभी उस टाइम प्रेग्नेंट ही थी, तो भाई की शादी भी थी, लेकिन फिर हुआ यूं कि ये रोने लगी, ये बोली हमको नहीं जाना है। तो हमने बोला ठीक है, आपको नहीं जाना है, आप पापा को फोन करो अपने। इनके घर पे फोन किया गया, जो हमारी भाभी की बड़ी बेटी है सोनाक्षी, वो भी रोने लगी। वो इतना चिपट के रोने लगी कि नहीं, मौसी को नहीं जाने देंगे, मौसी को नहीं जाने देंगे। फिर इनके घर से फोन आया कि बच्चा बीमार हो जाएगा, एक काम करो आप वापस जाओ। फिर वापस आई है, उसकी कुछ ही मतलब 17 मार्च को इनका बर्थडे था, उसके बाद तो होली भी आती भैया। पहली होली हमने कीर्ति के साथ सेलिब्रेट की, फर्स्ट बर्थडे भी और होली भी। होली की फोटो आप लोग देखिए, हमारे पास बहुत सारे मेमोरीज हैं, देखिए आप लोग फोटो। समय तो आ जाता है भाई जाने का, फिर समय आया, फिर अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इनको जाना पड़ा। और जब ये गई, ये भी सैड थी, हम भी सैड थे, और तब तक हम लोगों ने कभी किसी को कुछ बोला भी नहीं था, ठीक है ना। उसका फिर ये कभी दिल्ली नहीं आई, और जब मुझे लगा कि मुझे जाना है घर पे, तो मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं लग रही थी कि मुझे भूख लगे। और उसका फिर कीर्ति वैसे नॉर्मली फोन पे बातें होती थी, फिर घर वाले लड़की भी ढूंढ रहे थे मेरे लिए कि भाई शादी करनी है, एज भी मेरी हो रही थी। कीर्ति को तो कोई टेंशन नहीं थी, पढ़ रही थी, इसकी शादी के लेकर तो किसी को चिंता थी नहीं, क्योंकि इतनी खूबसूरत है भाई, कहीं नहीं शादी। शादी की दिक्कत हमारे से लौंडों होती जो किसी काबिल नहीं होते, ठीक है। तो लड़की मिल नहीं रही थी, ऐसा बहुत टाइम बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। फिर
सिचुएशन ये आ गया कि हमने घर वालों को बोल दिया हम शादी नहीं करेंगे, और बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो गया था। कीर्ति से भी कॉन्टेक्ट थोड़ा कम सा होता गया क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। कुछ ऐसी कोई बातें भी थी जिससे कि इनको बहुत बुरा लगा था, हो गया था। मैं इनको मैसेज क्या फोन नहीं करती थी, मैं मैसेज ना तो रिप्लाई करती थी ना तो कुछ भी नहीं। यार मैंने बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था और ऑफिस का काम ये वो, आपको पता जो लोग मेट्रो सिटीज में जॉब करते हैं उनको पता है सुबह जाओ रात में ऑफिस से लौटो, फिर आदमी थका इतना जाता है ना कुछ दिखता नहीं, आदमी खाना खा के सीधे सो जाता है। इनको भूल गई थी, ये भी भूल गई थी, मैं भी भूल ही गया था। ठीक है, लेकिन फिर लेकिन जब इनकी सुनते थे कि हाँ इनकी कहीं शादी लगी कोई लड़की देखना है, तो मुझे देखकर फोटो लड़कियों का इतना गुस्सा आता था। अच्छा एक चीज है, जासूसी तो पूरी कर रही थी क्योंकि एक मेरी भाभी की सिस्टर थी है, और जब भी किसी लड़की की फोटो आती थी घर से तो भाभी के पास
आप चलो ठीक है, लेकिन मम्मी नहीं मानेगी। बोला तुम पहले मुझे यस या नो में जवाब दो कि अगर मैं तुम्हारी शादी की बात कीर्ति से करता हूँ तो तुम तैयार हो कि नहीं तैयार, तुम्हें लड़की पसंद है। तो भाई अंदर ही अंदर मुस्कुराया, मैंने बोला हाँ हाँ मुझे पसंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले देखो तुमको जैसी लड़की चाहिए, खूबसूरत लड़की है, मॉडर्न लड़की है, जॉब कर रही है, पढ़ी लिखी लड़की है, सारे गुण तो हैं, और क्या चाहिए। मैं कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोला तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है ना, बस अब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी। तो मेरी दीदी जिनका नाम है पूनम जायसवाल, जिनको आप टिकटॉक से भी जानते हो, उनकी फ़ोटो मैं एक लगा देता हूँ। ये है मेरी दीदी, इन्होंने मेरी शादी कराई, इन्होंने और मेरे जीजाजी ने मिलकर। ठीक है, आगे की कहानी और लिखा। जैसा पता है मैं तो शादी के लिए तैयार था कीर्ति से, और फिर दीदी ने फ़ोन किया मुझे और सारी बातें बताई, तो मैं कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन मम्मी मानेंगी कि नहीं मानेंगी। मुझे जहाँ तक मुझे पता था कि मम्मी नहीं मानेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी इशारा कर दिया था। फिर दीदी फ़ोन करती है मम्मी को, मम्मी बोलती हैं मैं मर जाऊँगी लेकिन ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी। मम्मी बोलती हैं मैं मर जाऊँगी लेकिन ये रिश्ता किसी कीमत पर नहीं होने दूँगी। ठीक है, अब सिचुएशन और ख़राब। फिर दीदी का मेरे पास फ़ोन आया कि मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही हैं। तो मैंने बोला ठीक है, जब मम्मी तैयार नहीं है, जब माँ बाप नहीं तैयार है, जिसमें माँ बाप नहीं खुश हैं तो उसमें हम कैसे खुश हो सकते हैं। तो दीदी ने बोला तुम एक बार फिर से मुझे बताओ तुम कीर्ति से शादी करने के लिए तैयार हो। मैं कहा हाँ जी मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो बोले बस अब तुम सारा चीज़ हमारे ऊपर छोड़ दो। फिर जीजा ने अपने हाथ में कमान पकड़ी और जीजा ने फ़ोन किया मम्मी को रात में। सबसे बड़ी भूमिका आती है हमारे जीजा जी की, जिन्होंने सारी कहानी रची। जीजा जी ने बोला कि लड़का लड़की से प्यार करता है और लड़की लड़के से प्यार करती है, वो उसी से शादी करेगा, आप कहीं और शादी करोगी तो खुश नहीं रहेगा। ठीक है, जैसा कि उसने पहले भी बोला था कि आप कहीं और शादी कर दोगे, आप लोग के मान सम्मान के लिए, इज्जत के लिए शादी कर लेगा, लेकिन कभी उस लड़की के साथ खुश नहीं रहेगा। तो मम्मी ने बोला कि अगर ऐसी ही बात थी, इतने सालों से मैं उसके लिए लड़की ढूंढ रही थी, उसने मुझे क्यों नहीं बताया, आपको ये बात क्यों बताया। तो जीजा ने बोला भाई उसकी अपनी दीदी से ज़्यादा पटती है, तो उसने अपनी दीदी को बताई ये बात। ठीक है, आप लोग शादी के लिए तैयार हो। तो मम्मी बोली नहीं हम शादी के लिए तैयार नहीं है। तो जीजा ने बोला कि भैया ठीक है, अब हमारा इस घर में कोई इज्जत है नहीं, मान सम्मान है नहीं, हमारे बात की कोई वैल्यू है नहीं। जब अमित बोल रहे हैं कि भाई वो कीर्ति से प्यार करते हैं, उन्हें से शादी करेंगे, हालांकि ये सब कुछ नहीं था ऐसा मैंने बोला, वो जीजा ने अपनी तरफ से बात रखी ये चीज़। फिर मम्मी बोली अच्छा ठीक है, अगर ये सब बातें हैं तो अमित को बोलो वो हमसे आके मिले और मैं उसके मुँह से ये बात सुनना चाहती हूँ कि ये बात सही है कि नहीं है कि आप ही लोग बोल रहे हो। तो जीजा ने मुझे फ़ोन किया, बोला भाई आपसे मैं जो बात कहने जा रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनो, आप आज रात की ट्रेन पकड़ो और अपने घर जाओ। मगर क्या हुआ जीजा, बोल रहा कि मैंने आप लोग का बैकग्राउंड बना दिया है, मैं आप कीर्ति से शादी करने के लिए तैयार हो। मैं कहा तो बोल रहे हैं आप अपने घर जाओ और आपकी मम्मी शादी के लिए तैयार नहीं है, मैंने उनको हालांकि अपने हिसाब से प्रेशर डाल दिया है, वो आपके मुँह से सुनना चाहती हैं भाई सच्चाई क्या है क्या नहीं है। तो मैं बोला सच्चाई क्या है, बोले अब मैं जो बोलूँगा वही आपको बोलना है, आपको घर पे जाके बोलना है कि आप कीर्ति से प्यार करते हो और उसी से शादी करोगे, बाकी आपको अपने हिसाब से हैंडल करना है, आप कैसे अपने हिसाब से मम्मी को मनाते हो। अब कहानी यहाँ पे आती है, बंदा रातों रात ट्रेन पकड़ के घर पहुँचता है, फिर क्या होता है सुनने के लिए तैयार हो जाइए। शाहरुख खान की तरह रात में ट्रेन पकड़ते हैं भैया, और दिल्ली से इलाहाबाद का सफ़र यूँ है कि अगर आप दुरंतों पकड़ते हो तो सुबह 6 बजे तक आप इलाहाबाद पहुंच जाओगे। तो भाई सुबह सुबह पहुंचा घर पे, तो घर पे माहौल वैसे ही गर्म, अपन पहुंचे घर पे, पैर हाथ होता ना घर पे पहुंचते ही पैर छूना, फिर चला गया मैं अपने कमरे में, वहाँ पे जाते ही मैं अपना फ्रेश हुआ, ब्रश व्रश किया, फिर चाय पेश होता है। सच में देखे चाय पेश होता है, फिर चाय मैं पीता हूँ, फिर पापा बोलते नहा धो लो, हम नहा धो लेते हैं, नहा धो के उसका फिर खाना वाना भी खिलवा दिया जाता है, मुझे खाना खा लो खाना ना खा लिया। मैं कहा भैया क्या बात है, बड़ा जल्दी जल्दी कार्य हो रहा है सारा। फिर टाइम आता है मम्मी और मेरी मुलाकात, मम्मी बैठी हुई थी, तो अब हम शुरू कैसे करें, बोले तो बोले कैसे अंदर, लेकिन जीजा ने बिल्कुल मोटिवेट कर रखा था कि बिल्कुल तुम्हारे हाथों में भैया, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथों में, शादी एक ही बार करोगे, अगर अब की बार मैदान में कूद पड़े और तुमने शादी के लिए सबको मना लिया तो जीत तुम्हारी और ज़िंदगी भर के लिए तुम सुखी हो जाओगे, नहीं तो मर मर के अगर रहना तो फिर तुम्हारी मर्जी है। तो भैया हमने मम्मी से बोला मम्मी क्या सोची, नहीं किस बारे में हम बोला किस बारे में, हम का वही कीर्ति से शादी के,
वो मम्मी के टप 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 आंसू छूने लगे, फिर बोल रही अड़ोस वाले क्या सोचेंगे, पड़ोस वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हमका रिश्तेदार हमका कोई अड़ोस पड़ोस वाला खाने के लिए दे रहा है क्या, रिश्तेदार कौन रिश्तेदार, कैसे रिश्तेदार, साला आज की डेट में कोई किसी को नहीं पूछता भैया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि फलाने के यहाँ ढिमकाने के यहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमका शादी होगी चार दिन बाद सब भूल जाएंगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक घर की दो लड़की। तो मैंने उनको साफ साफ बोला जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने अपने माता पिता के सामने रखा, मैंने बोला कि आप इतने सालों से मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हो, कोई एक लड़की बताओ जो आपने कीर्ति के टक्कर की कोई लड़की ढूंढी हो खूबसूरत। हाँ मैंने बोला मैं का खूबसूरत। अच्छा तुम्हें आज पता चला? नहीं मालूम था हमको। तो मैं बोल रहा हूँ कुछ बातें नहीं बताई जाती ना सामने, फिर बाद में खुलता है आदमी। तो मैंने बोला कि भैया कीर्ति के बराबर पढ़ा लिखा कोई लड़की ढूंढ पाई आप? नहीं ढूंढ पाई। कीर्ति की तरह हाइट नहीं ढूंढ पाई, कीर्ति की तरह मॉडर्न, कीर्ति की तरह सुंदर लड़की नहीं ढूंढ पाई। हाँ कसम से हकीकत मैंने जो मैंने बोला, तो मैंने बोला अगर आपने इसमें से भी कोई मिलती जुलती हुई लड़की ढूंढी होती तो मैं शादी कर लेता। तो बोल रहे हैं कि तुमने फिर इतने सालों तक मुझे परेशान क्यों किया, तुम जब हम लड़की देखने के लिए बोलते थे तुम लड़की देखने जाते थे, हम कहे हाँ देखने जाते थे पसंद आ जाती तो कर लेते पसंद ही नहीं आई। तो फिर मम्मी रोने कि इनको कोई नहीं मिला तो हम मिले। अरे नहीं मम्मी रोने कि इनको कोई नहीं मिला तो हम मिले। नहीं ऐसी बात नहीं है, बात यही है। ऐसे कैसे बोल दिया आपकी लड़की ढूंढने देखने जाते थे ऐसे? अरे मतलब ये वीडियो बनाते बनाते लड़ाई करवा दोगी क्या? बोलना पड़ता है यार, समझा करो आप लोग। फिर उसके बाद फिर माहौल थोड़ा सा वो होता है, फिर मम्मी बोल रही कि हम नहीं जाएंगे उनके घर रिश्ता लेकर के। तो हम बोला वो कहे आप कहे जाओगी, वो लोग आएंगे रिश्ता लेकर के। हालांकि तब तक कीर्ति के घर पे कोई बातचीत नहीं होती, हमारे घर पे खिचड़ी पक रही थी। हमारे घर हमारे बुआ की शादी पड़ी थी तो इनके घर से फोन आ रहा था कि आप, और उस टाइम मेरे अच्छा तब मेरे तक लिए भी एक और सस्पेंस वाली बात सुनो। तब तक कीर्ति को एक लड़के वाले देख चुके थे और लोग पसंद भी कर चुके थे और शादी की बात भी चलने वाली थी इनकी दीदी फोन। तब तक हमारी दीदी को ये बात पता चल गई और दीदी ने फोन करके बोला कीर्ति के मम्मी को। नहीं कीर्ति मेरी मम्मी को फोन नहीं की थी, दीदी को फोन किया, मेरी भाभी को, दीदी को फोन की, बोली कि वंदना तुम कीर्ति की शादी कहीं पर मत करवाना, हम गारंटी लेते हैं हम कीर्ति की शादी अपने भाई से करवाएंगे। मेरी दीदी बोली नहीं उसकी शादी लग गई है, उसकी शादी सब कुछ फिक्स हो गया है, लेकिन कह रही नहीं अपने मम्मी पास बोलो कैंसिल करें हम शादी करवाएंगे अगर होगा तो मेरे भाई। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं बोला आप लोग नहीं जाओगे भाई वो लोग आएंगे, हमने तो तीर छोड़ दिया था और हमने टाँव में बोल दिया वो लोग आएंगे। अब बात ये थी कि भाई इनके घर वालों को हम पसंद थे, पसंद क्या थे कि हम ठीक ठाक मतलब जॉब करते थे, भाभी को सब हमारे बारे में नेचर के बारे में पता था कि हम अच्छे लड़के हैं, कोई पान सुपारी गुटखा ये सब हम कुछ नहीं खाते ठीक है, और कोई नशा नहीं करते हैं, सब कुछ अच्छा था, जॉब अच्छी थी। फिर समय आता है इनके परिवार का हमारे यहाँ आना, फिर कीर्ति के मम्मी पापा इनके भैया सब लोग आते हैं और हमारा परिवार भी बैठता है। हालांकि पापा को कोई एतराज़ नहीं था, मम्मी को प्रॉब्लम थी। मेरे दादा शादी के लिए नहीं बोल रहे थे कि हम शादी वहाँ नहीं करें, हम अपनी एक नातिन की शादी कर लिए हैं, हम दूसरी नातिन की वहाँ शादी नहीं करेंगे। मेरे घर वाले मेरे भाई सब मान गए थे लेकिन मेरे जो दादा दादी हैं उन लोग फैमिली नहीं मान रहे थे, बहुत उन लोग को फोर्स किया गया। उसके बाद फिर दोनों फैमिली को बुलाई जाती है, फिर बातचीत होती है, फिर निष्कर्ष ये निकलता है कि हम लोग का एंगेजमेंट जो है मार्च में मामला हुआ था, हम लोग की शादी की बात जो है मार्च में ही सबको बुलाया गया, फिर एंगेजमेंट जो है 14 अप्रैल को ना शादी भी थी। हाँ, उस टाइम भी इनके घर में हाँ शादी भी थी, फिर 14 अप्रैल को हम लोग का 14 अप्रैल को ही ना जी क्या 22 अप्रैल हाँ सॉरी 22 अप्रैल को फिर हम लोग का एंगेजमेंट का डेट फिक्स किया जाता है। फिर उस दिन ये था कि 22 अप्रैल को एंगेजमेंट होगी और उसी दिन हमारी शादी की डेट को फिक्स किया जाएगा। फिर मैं भी खुश हो गया, फिर कीर्ति भी खुश हो गई। अच्छा तब तक पता है कि मैं और कीर्ति आपस में तब भी बात नहीं करते थे, एंगेजमेंट हम आ रही थी इनसे बात करने में, बहुत दिन तक इनसे बात भी नहीं कर रहे थे सगाई। फिर जब हमारी एंगेजमेंट जब पास आने लगी, एंगेजमेंट के बाद फिर हम लोग बात करने लगे कुछ दिन बाद, फिर भी नहीं कर रहे थे। अच्छा आप लोग एंगेजमेंट की थोड़ी फोटो वीडियोज देख लीजिए यार।
एंगेजमेंट के बाद फिर मैं दिल्ली चला जाता हूँ, फिर कीर्ति यहाँ पे रहती है, तो कीर्ति भी अपने जॉब में, हम भी अपने जॉब में। जैसे आप लोग को पता है एंगेजमेंट के बाद फिर जुदाई जुदाई, फिर हम दोनों एक दो महीने बाद शादी का डेट रखा गया था, एक दो महीने बाद शादी का डेट। फिर जून में मेरे दोस्त की शादी थी, फिर मैं उसी बहाने आता हूँ बनारस में, फिर मैं और कीर्ति घूमते हैं मिलते हैं। उस दिन हम लोगों ने कबीर सिंह मूवी देखी थी, हम लोगों ने साथ में पहली मूवी कबीर सिंह देखी थी। उसके बाद देखिए आप लोग फोटो भी देख लीजिए, बनारस हम लोग जो घूमे थे, देखिए अच्छा। जब एक लड़के और लड़की की एंगेजमेंट या शादी लग जाती है ना, तो इतना आसान नहीं होता शादी लगना। कुछ लोग होते हैं जो आपकी शादी तोड़वाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मम्मी के कान भरे, बहुत सारे लोग। अच्छा एक बंदा ऐसा भी था जो कि इनके फैमिली में फ़ोन करके बोलता है, अरे तुम कहाँ अपनी लड़की की शादी करवा रहे हो, उस लड़के की तो शादी हो चुकी है ना, याद है तुम्हें? हाँ, मेरी 22 अप्रैल को हमारी एंगेजमेंट थी, 25 अप्रैल को मेरी आंटी की शादी थी, आंटी की लड़की की शादी थी, उसमें एक लड़का आया था, तो वो रिलेशन में इनकी जो बड़ी वाली भाभी हैं उनके रिलेशन में था। तो वो मेरी आंटी की लड़की जब वो ससुराल गई अपने, तो उससे बोला कि अरे जो तुम्हारे कुछ रिलेशन वैसे जो भी उसके होंगे, मुझे लगा कि जहाँ तुम्हारी सिस्टर की शादी हो रही है उस लड़के की शादी 2-3 हो चुकी हैं। मेरी शादी एक नहीं हुई थी, उसने 2-3 करा दी। अच्छा ये तो शुक्र, अच्छा वो तो कहाँ कर रही हो शादी बताओ। अच्छा ये तो शुक्र मनाओ, मैं मतलब इनकी शादी मेरे से हो रही थी, मतलब इनकी दीदी का देवर था, तो मेरे बारे में जाहिर सी बात ही सारी इन्फॉर्मेशन नेचुरली फैमिली मेंबर थे तो सबको पता रहती है। अगर ये शादी कहीं और लगी होती तो 100% शादी टूट जाती। अगर देखो जहाँ पे किंतु परंतु लगता है ना, आदमी शादी वहाँ नहीं करता है। उसके बाद मेरे घर पे इनके लिए गलत तरीके से फ़ोन किया गया कि भाई ये लड़की सही नहीं है, या इसने इसका रिश्ता लगा था वहाँ पे, ऐसे बोल के इसने अपना रिश्ता तोड़ा, ये बहुत घमंडी लड़की है, मतलब बहुत तरीके की बातें बोली भाई साहब लोगों ने। इसके पहले जहाँ शादी लगी थी इनकी मम्मी जो हैं उनके रिलेशन में थे, तो वहाँ पे शादी लगी तो वो लोग भी कुछ शादी लगी नहीं थी, मतलब शादी की बातें चल रही थी उसी में। तो भैया इतना आसान नहीं होता है शादी करना, बहुत ज़्यादा। और जो शादी जो पड़ती है हमारी 21 जनवरी 2020 को पड़ती है, मतलब पूरे 9 महीनों का अंतर था हमारी शादी में। और ये 9 महीने हमने कैसे काटे हैं वो भैया दिन गिनते थे, वो वही बंदा समझ सकता है जिसकी एंगेजमेंट हुई और शादी में इतने दिन बाकी हो। बाप रे कैसे कैसे दिन कटे हैं उस टाइम, मतलब कि उस बीच शादी के बीच में मेरे घर पे कितनी प्रॉब्लम आई, बहुत प्रॉब्लम, मेरे भाई की तबीयत इनके बहुत। अच्छा हमारी लोग की शादी भी इतनी आसानी से नहीं हो पाई, कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आया कि लगा कि शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाँ क्योंकि कभी कोई कहीं पे बीमार हो रहा था, कभी कोई कोई इसके इनके भाई की बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे मुंबई में, और फिर ऐसा सिचुएशन हो गया था कि मतलब अब नहीं बच पाएंगे, पता नहीं क्या बीमारी सारे हो गई थी, पैसे शादी मतलब कि उनकी बीमारी मतलब बहुत सारे पैसे वहाँ भी खर्च हो गए। लेकिन तभी पर हम लोगों ने जैसा चाहा था, मैंने और कीर्ति ने अपनी शादी में जैसा सोचा था, मैंने जो मतलब जो भी ख्वाहिशें थी हमारी सारी हमने पूरी की अपनी शादी को लेकर के। उसका शादी देखिए हमारी कितनी धूमधाम से हुई। हम दोनों लेकिन हम हमारे फैमिली वाले भी जानते हैं कि शादी कैसे हुई है। हाँ भाई सीधी सी बात है, एक लड़की के फैमिली वाले जितना स्ट्रगल करते हैं ना उतना लड़के वाले नहीं करते होंगे शादी के लिए।
तो गाइस आप लोगों ने हमारे इस ब्लॉग को देखा। हमारे YouTube चैनल को अमित एंड किट्टो जायसवाल, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी हम दूसरा ब्लॉग लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।